गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी विषय, और हिंदी विषय के अंतर्गत पहली कविता। नए सत्र की शुरुआत करते हैं हम। अब तक हम लोगों ने पुनरावर्तन किया, पुनरावर्तन के बाद अब 8वीं कक्षा के जो सिलेबस है इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली कविता है डुबा दो अहंकार। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। डुबा दो अहंकार के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पहले भी पढ़ा है। प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, नाटककार और ऐसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से साहित्य जगत में सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1861 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु दी गई 1941। इनका परिचय है कवि का। विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा तो चित्रकार भी। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। राष्ट्रगीत जनगणमन अधिनायक जय हिंद रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही रचित है। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहित्य जगत का सबसे बड़ा सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि उनकी रचना है, 1913 ईस्वी में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके प्रमुख कृतियां हैं वन फूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि, उगाल, गीतांजलि, पला का, पलात का, वनवाणी और शेष लेखा आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट, बड़े ही अच्छे चित्रकार के रूप में जो उन्हें ख्याति प्राप्त थी। राष्ट्रगीत के रचयिता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। वैसे प्रसिद्ध कवि भारत देश की धरोहर है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी पूंजी है, एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत है हम देशवासियों के। आप डुबा दो अहंकार जो कविता है, इस पद्य में, पद्य संबंधी इस कविता में कवि जी क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें प्रस्तुत गीत में कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि किस तरह से अहंकार, अत्याचार, इन सब बातों से बचना है। अर्थात कवि कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई बुराई न पनपे। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कवि कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दो कि हम में किसी भी बात का अहंकार न हो और मैं किसी भी अत्याचार से हमें बचने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे, हम कहीं कोई जीवन में गलत कदम न उठाएं। ऐसी प्रार्थना कवि इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं भगवान से, प्रभु से, ईश्वर से। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पद्य में कवि ने क्या कहा है और उसके अनुसार अब आगे कविता में क्या है। डुबा दो अहंकार पहली कविता। कवि कह रहे हैं, मेरा शीश नवा दो अपने चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू में। शीश का अर्थात मस्तक। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। कवि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मेरा शीश, मेरा मस्तक अपनी चरण धूल के तल में नवा दो, झुका दो भगवान, कि मैं अपने मस्तक को आपकी चरण धूल के तल, तल अर्थात तलवा, बॉटम, निचला स्तर। तो अपने शीश को मैं आपके चरणों के धूल के तले, चरणों के धूल के नीचे अपने मस्तक को झुका रहा। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में,
देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू भर के। हे भगवान, मेरे जो भी अहंकार है, मुझ में जो भी अभिमान है, इस अभिमान को पूरी तरह से डुबाने का काम करो। मेरे आंसू जल में मेरे अहंकारों को डुबा दो भगवान, अर्थात मुझ में किसी भी तरह का अहंकार ना हो, मैं किसी भी तरह से अभिमानी ना रहूं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मेरे आंसुओं के जल है, इन आंसुओं के जल में मेरे पूरे अहंकार को, मेरे अभिमान को, मेरे घमंड को पूरी तरह से, हे भगवान, हे ईश्वर, डुबा दो। मुझ में किसी भी तरह का अहंकार न रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, हे भगवान, मैं अपने आप को सम्मानित करने के लिए, अपने आप को गौरव देने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए मैं बार बार अपने आप को अपमानित करता हूँ। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रशंसा चाहता है, तारीफ चाहता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह से मुझ में अभिमान ना आए, मैं गौरवान्वित अपने आप को ना महसूस करूं, इस तरह का बना दो भगवान। और मेरी आदत क्या है कि मैं हमेशा अपनी तारीफ चाहता हूँ, अपने गौरव के लिए, अपने नाम के लिए सदैव मैं अपने आप को अपमानित करते रहता हूँ। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, मैं अपने आप को घूम घूम करके अपने चारों तरफ ही मैं घूमता हूँ, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पास ही घूमता हूँ। मैं अपने अपनी दुनिया ऐसी बना ली है कि मैं अपने में ही मस्त हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। मरता हूँ पल पल और मैं हर पल जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात मैं पल पल मर रहा हूँ हर पल। तो कवि क्या कह रहे हैं कि वह अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बना लिया है उसने, अपने तारीफ के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने जीवन के लिए, कि वह हर पल मर रहा है, इस तरह से उसको आभास हो रहा है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, हे भगवान, मेरे सारे अहंकारों को मेरे आंसू जल में पूरी तरह से डुबा दो। मुझ में किसी भी तरह का गर्व ना रहे, मेरा पूरा अभिमान समाप्त हो जाए, ऐसा कवि कहते हैं। तो इस तरह से इस पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि कहना क्या चाहता है कवि, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि मुझ में किसी तरह का अभिमान ना हो, मुझ में किसी तरह का गर्व ना हो, मैं गौरव के खातिर अपने आप को सदैव अपमानित कर रहा हूँ, मैं अपने आसपास ही घूम घूम करके हर पल मर रहा हूँ, तो मेरे सारे अहंकारों को आप पूरी तरह से डुबा दो। इस तरह से प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने नतमस्तक हो करके कवि अपने अहंकारों को डुबाने की बात करता है, अपने घमंड को समाप्त करने के लिए कहता है। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। हे भगवान, मैं अपने कामों में कभी भी आत्म प्रचार ना करूं। आत्म प्रचार अपने आप के बारे में अपना बखान करना, अपना प्रचार करना स्वयं का, जैसे कि लोगों को कुछ आदत होती है इस तरह की कि मैं इस तरह से हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपना बखान, आत्म प्रचार, अपने बारे में कहना, अपने बारे में लोगों को बताना। तो भगवान, मैं अपने कामों के माध्यम से, मैं अपने कामों में न करूं, जो भी कार्य करता है मनुष्य, वह लोगों को बहुत अधिक बताने की चेष्टा रखता है, कुछ लोग होते हैं इस तरह के। तो कवि कहता है यहाँ पर कि मैं किसी भी तरह से भगवान अपने कार्यों को लोगों तक आत्म प्रचार के माध्यम से ना ले जाऊं, आत्म प्रचार का साधन न बनाऊं, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, अर्थात प्रभु आपने मेरे लिए जो सोच करके रखा है वही जीवन में पूर्ण करो। हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत चीजें चाहते हैं जो हमारे हित के लिए नहीं है या हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं है। तो कभी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ सोच रखा है, आप जो चाहते हो वह मेरे जीवन में पूर्ण हो, ऐसी इच्छा पूर्ण हो जो आपने मेरे लिए सोचा है, आप जो मेरे लिए करना चाहते हैं, तो मेरी उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो, मेरी इच्छाओं को नहीं, आपने जो मेरे लिए सोचा है उसे पूरा करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति दो, अर्थात हे भगवान, मुझे चरम शांति, चिर शांति, सर्वोच्च, सबसे ऊंची,
पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा हाई। तो इस तरह से मुझे चरम शांति दो, सर्वोच्च शांति जो जीवन में चाहिए वह शांति दो, प्राणों में वह परम कांति दो, कांति का अर्थात आभा प्रकाश। तो मेरे प्राणों में, मेरे हृदय में परम कांति हो, वह आभा हो, प्रकाश हो। अर्थात कभी कहते हैं कि मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे प्राणों में परम कांति हो, मैं एकदम चिर शांति, किसी भी तरह का अभिमान मेरे जीवन में ना रहे, किसी भी तरह का अहंकार मेरे जीवन में ना रहे। आप खड़े हो, मुझे वोट दें, हृदय कमल के दल में, अपने हृदय कमल में, अर्थात जो प्रभु का हृदय है वह कैसा है, प्रभु का मन कैसा है, इस तरह से कमल की पंखुड़ियां कोमल है, कमल के समान है, तो आप अपने कमल रूपी हृदय में मुझे वोट दें, सहारा दें। वोट देना अर्थात सहारा देना, तो मुझे अपने हृदय के अंदर स्थान देने का कार्य करे प्रभु, ऐसे मेरी विनती है। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, हे भगवान मेरे अहंकार को पूरी तरह से मेरे आंसुओं में ही, मेरे आंसुओं के जल में ही भूलो। तो यहाँ पर कवि पूरी कविता का जो सारांश है वह यह है कि वह कवि चाहते नहीं कि किसी भी तरह का आत्म प्रचार करें, अपने बारे में लोगों को बताएं। उनकी जो आकांक्षाएं हैं जीवन में बनने की, वह जो इच्छा रखते हैं जीवन में बनने की, उसे न पूर्ण करते हुए प्रभु ने जो उनके लिए सोच कर रखा है, भगवान ने जो उनके लिए सोच करके रखा है, उन इच्छाओं को पूर्ण करें, उन्हें जीवन में चरम शांति मिले, परम कांति की मांग करते हैं, सहारा चाहते हैं भगवान के हृदय में, ऐसा कवि का कहना है, ऐसा कवि का निवेदन है भगवान से कि उसके सारे अहंकारों को डुबा दिया जाए उनके आंसुओं के जल में, अर्थात जो भी अहंकार, जो भी अभिमान है वह समाप्त हो जाए। यहाँ पर शब्द वाटिका दी है, आत्म प्रचार का अर्थ है आत्मस्तुति, स्वयं का प्रचार करना, अपने बारे में बहुत अधिक बताना, चरम अर्थात सर्वोच्च, पराकाष्ठा एकदम ऊंचाई, चरम शांति दो, दल पंखुड़ी हृदय कमल, जिस तरह से कमल की पंखुड़ियां है, हृदय कमल में, कमल के समान हृदय दल, या जो भी कोमल पंखुड़ियां है, पंखुड़ियां जो पुष्प की पंखुड़ी होती है उसे कहते हैं दल। मुहावरा, शीश नवाना नतमस्तक होना विनम्र होना, मस्तक को झुकाना, शीश नवाना, प्रभु के चरणों में यहाँ पर कभी नतमस्तक होते हैं, विनम्र होते हैं, शीश नवाना। वोट देना, सहारा देना, आड़ देना, किसी भी तरह का सहारा या आड़, वोट लेना किसी चीज का, तो कहते हैं वोट देना। अब यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियां करो, स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए, स्वाध्याय हल करना है सभी को, संजाल पूर्ण करो, कविता अगर हम पढ़ेंगे तो इस स्वाध्याय को हम आसानी से पूर्ण करते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, फिर से एक बार आप लोग कविता को अगर पढ़ोगे उसके माध्यम से स्वाध्याय को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। कभी मांगता है तो कभी क्या क्या मांगता है, कभी अपने जीवन में चरम शांति मांगता है, चरम शांति मांगता है, कभी परम कांति मांगता है, भगवान से ओट सहारा, हृदय कमल में ओट मांगते हैं, सहारा मांगते हैं, अपने अहंकारों को दुबाने की बात कहते हैं कभी, तो इस तरह से हम इस संजाल को पूर्ण कर सकते हैं कविता के माध्यम से। जो पंक्तियां दी गई है, काफी पंक्तियों में इसे बताया गया कि कवि क्या मांगता है, परम कांति, चिर शांति, फिर ओट मांगता है, हृदय कमल में स्थान मांगता है, तो ये सब बातें हम लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। तो आपको प्रश्न तैयार करना है, उत्तर यहाँ पर दिया है, हृदय कमल। कविता के अनुसार भी आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, कहा नहीं गया है कि काव्य पंक्तियों से ही देख करके इसके उत्तर आने चाहिए, आप अपने हिसाब से भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे पहले का उत्तर है हृदय कमल, आप कविता के अनुसार अगर करेंगे तो हम लिख सकते हैं कवि कहाँ स्थान चाहता है, तो लिख सकते हैं कि कवि भगवान के, ईश्वर के हृदय कमल में स्थान चाहता है, ओट चाहता है। परम कांति, कवि अपने प्राणों में क्या चाहता है, तो कवि अपने प्राणों में परम कांति चाहता है। पल पल, कवि किस तरह से मर रहा है, पल पल मर रहा है, तिल तिल करके मर रहा है। जीवन, कवि अपनी इच्छा कहाँ पूर्ण करने के लिए कह रहा है, तो अपने जीवन में,
तो इस तरह से कविता के माध्यम से भी, काव्य पंक्तियों के माध्यम से भी इन प्रश्नों को बनाया जा सकता है, या यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, अपने प्रश्न भी बना सकते हैं कि आप किस तरह का जीवन चाहते हैं, परम कांति वाला चाहते हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम किस तरह से, या मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ, पल पल आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पर प्रश्न हम बना सकते हैं। जोड़ियां मिलाओ, अब काव्य पंक्तियों में दिया है, कविता के हिसाब से ही पूरा करना इसे। चरम शांति, चरम यहाँ पर आएगा शांति, हृदय कमल, हृदय कमल दल, परम कांति, परम कांति आंसू जल। तो काफी सरल सा प्रश्न है, आसानी से किया जा सकता है, कविता के माध्यम से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। चरम शांति, हृदय कमल दल, परम कांति आंसू जल। तो इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब उपयोजित लेखन है, आप लोग इसे घर पर लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उचित शीर्षक दो, बोतल, किनारा, कंगन, कागज। तो कहानी लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से, अपनी कल्पना के अनुसार कहानी लिखी जा सकती है। चार शब्द यहाँ पर दिया गया है, बोतल, किनारा, कंगन, कागज। एक संक्षिप्त से चार लाइन मैं बताता हूँ मार्गदर्शन के तौर पर, उसके बाद आप लोग अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। एक दिन मैं समुद्र के किनारे घूम रहा था, घूमते घूमते मैंने एक कांच की बोतल देखी। तैरते ही बोतल मैंने उसे पकड़ा, बोतल के ऊपर एक कंगन बंधा हुआ था, बोतल का ढक्कन बंद था। मैंने बोतल खोली, उसके अंदर एक कागज था। अब कागज के अंदर एक संदेश लिखा था, यह बोतल कहाँ से आई थी? तो उस स्थान का नाम, कोई भी स्थान, लंदन था, और उसमें एक छोटी सी कहानी लिखी थी। उस कहानी को पढ़ा मैंने, जो कहानी। तो इस तरह से आप इन शब्दों के प्रयोग से, अब जैसे मैंने अपूर्ण कहानी बताई, इसके आगे भी आप कथा पूर्ण कर सकते हो, या अपनी कल्पना अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इन चारों शब्दों का उपयोग उस कहानी में आना चाहिए, और उस कहानी को एक उचित शीर्षक, टाइटल देना है। जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं कि तैरती बोतल है ना, एक रहस्यमय कथा, भले उस कागज में लिखी हो। तो इस तरह से टाइटल देने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, कहानी के अनुरूप, कथा के अनुरूप आप टाइटल दे सकते हैं, शीर्षक दे सकते हैं। धन्यवाद, उम्मीद है आप लोगों को कविता समझ में आई होगी, स्वाध्याय समझ में आया।